बोल नहीं पा रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख से बिलक रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से यहाँ पर कुछ औरत भी है जो कि बेचारी शर्मा भी रही है बोलने में, और जिनका घर दा गया कट गया, चाची माँ का भी घर कट गया, वो तो घर कट गया। अब देखिए ये होंगे इनके घर में बाल बच्चे हैं, इनका जो पलंग था, कुर्सी था, टेबल था, वो भी दा गया, सब चीज दा गया, एक सामान भी नहीं निकाल पाया। अच्छा आप हमको ये बताइए कि सरकार जो अभी है उसमें क्या मांग करने की कोशिश करेगी, क्या खोज करना चाहेगी सरकार, कम से कम क्या दे देंगे हम तक आपको रात। देखिए बेचारी बोल नहीं पा रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख से बिलक रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से खाने पीने का कोई भी सामान लेकर के नहीं दिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि वीडियोस को जो इन लोगों की परेशानी है, हालात है, दिखने से ऐसा फील हो रहा है हमको कि अब इनके पास ना एक रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए पैसा है, ना सोने के लिए जगह है। ये देख रहे होंगे कि ये बांध है, इस पर बेचारे समझिए जंगल के तरह आराम से रह रहे हैं, बसर कर रहे हैं। अभी रात पाती है, ना जाने ये पानी को सूखने में कितनों घंटे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से भी कि अगर आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो आपके यहाँ के मंत्री हैं, जो सरकार में हैं, उनको भेजिए। कम से कम ये आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे, खाना भी नहीं मांग रहे, कम से कम इनको रहने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, ताकि ये महिलाएं जो कि अच्छे तरीके से रात में सो पाए, अच्छे तरीके से ये बच्चे हैं, इनको खाना दे सके टाइम का। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी भाई बहन वीडियोज को देख रहे हैं, शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो गद्दी पर बैठे सरकार है उन तक ये वीडियोज पहुँच पाए, ताकि उनको ये नजर आए ये क्या हालात है अभी। तो आज की इस खबर में बस इतना ही, फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट खबर, जो नेक्स्ट आगे जो पूरा है वहाँ पर भी एक किसी तरह का हादसा उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। तब तक दीजिए इस वीडियो।